गुरुग्राम सेक्टर 10 में स्थित नागरिक अस्पताल में काम करने वाले ठेकेदार द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें नए ठेकेदार द्वारा सभी आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों से उनकी नौकरी रिन्यू करने के नाम पर 10,000 रुपए की मांग की गई है। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों से ट्रेनिंग के नाम पर भी 10,000 रुपए मांगे गए। यही नहीं, इस ठेकेदार द्वारा इन सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को ये चेतावनी दी गई है कि अगर वो इस नौकरी को पुनः चाहते हैं तो उन्हें इसकी एवज में 10,000 रुपए देने होंगे, और अगर वे 10,000 रुपए उन्हें नहीं देते तो उनके स्थान पर नए कर्मचारियों को नौकरी पर रख लिया जाएगा। इसके अलावा इस मामले में ये भी पता चला है कि ठेकेदार द्वारा फॉर्म के नाम पर भी 200 रुपए की मांग की गई है। नए ठेकेदार की इस मांग के चलते सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने विरोध कर दिया है और इस विरोध के चलते स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई है। वहीं सभी कर्मचारी विरोध स्वरूप अस्पताल में धरने पर बैठ गए। इस मामले में NHM अध्यक्ष हरिराज ने बताया कि साइबर सिटी गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल के नए ठेकेदार पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा है, और यह आरोप नागरिक अस्पताल में आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मचारियों ने लगाया है। ये कर्मचारी पिछले काफी लंबे समय से नागरिक अस्पताल में अपनी स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन नए ठेकेदार के आने पर उनसे लगातार कभी वर्दी और ट्रेनिंग के नाम पर तो कभी नौकरी रिन्यू करने के नाम पर 10,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। वहीं उनके दस्तावेजों की जांच के नाम पर दिए गए फॉर्म के लिए 200 रुपए भी वसूले जा रहे हैं। के विरोध में सभी आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मी विरोध कर रहे हैं। इस मामले में आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मी मधु ने बताया कि वे लोग पिछले 10-12 सालों से अपनी सेवाएं अस्पताल में दे रहे हैं, लेकिन अब इन लोगों पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कराने के नाम पर मांगे जाने वाले 10,000 रुपए ने उनकी मुसीबतों को बढ़ा दिया है। इसलिए नए ठेकेदार की इस नाजायज मांग के विरोध में सभी आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल में धरने पर बैठे हैं। एक और आउटसोर्स डाटा ऑपरेटर जयप्रकाश ने बताया कि किस ठेकेदार को ये ठेका दिया गया था और इस प्रकार से मांग करने वाला व्यक्ति कौन है। इन सभी पहलुओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन इन लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि इस समस्या का शीघ्र ही समाधान कर दिया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।